नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, सबसे ज्यादा हलचल यदि कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री ने जैसे ही इस्तीफा दिया, इस्तीफों की झड़ी लगने लगी और 3 विधायक जिसमें कि भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति और रोशनलाल वर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद की खबर ये है कि अभी और 8 से 10 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह तत्काल एक्टिव हुए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया और लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच खबर आई कि एक विधायक है विनय शाह के, वो लापता हैं, वो भी जाने वालों की सूची में शामिल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी या बीजेपी इसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि 100 से 150 विधायकों का टिकट कट सकता है। जिन विधायकों को लगा कि उनका टिकट कटेगा, उन्होंने रास्ता तलाशना शुरू कर दिया, नया घर तलाशना शुरू कर दिया। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐसे विधायकों के लिए बाहें फैलाए खड़े थे और उनके लिए मुफीद हो गया। तो अभी तक 18 के आसपास नेता जो है छोड़ चुके हैं। कौन है वो बीजेपी के नेता, जरा सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। जिन अन्य विधायकों के बीजेपी से छोड़ करके जाने की चर्चा है, उसमें ममतेश साक, विनय साक, धर्मेंद्र साक, नीरज मौर्य भी शामिल हैं। हालांकि इसके अलावा भी और नाम है, कुछ के खंडन भी आए हैं कि वो बीजेपी छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। इससे पहले पिछले 1 महीने के दौरान जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उसमें बदायूं जिले के बिलसी से बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा, वो समाजवादी पार्टी में गए थे। सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी सपा में शामिल हो चुके हैं। बराई से, नानपारा से विधायक माधुरी वर्मा भी भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। संत कबीर नगर से बीजेपी विधायक जय चौबे भी सपा में शामिल हो चुके हैं। यूपी की बलिया की चिलकहर विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह सपा का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे जयप्रकाश पांडे भी चले गए हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार वर्मा गोपाल को भी अखिलेश यादव ने सपा की सदस्यता दिलाई थी। बीजेपी के टिकट पर प्रयागराज से चुनाव लड़ चुके शशांक त्रिपाठी भी सपाई हो गए हैं। बीजेपी के पूर्व MLC कांति सिंह, प्रतापगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्रा भी सपा में शामिल हो चुके हैं। रमाकांत यादव पूर्व सांसद बीजेपी आजमगढ़, पूर्व मंत्री राकेश त्यागी बुलंदशहर, जिला पंचायत सदस्य आगरा हेमंत निषाद, ये सभी दामन झटक चुके हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं दयाशंकर सिंह, जिनकी पत्नी स्वाति सिंह हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि लगातार उनकी ओम प्रकाश राजभर से जो मुलाकात हो रही है वो इसी कड़ी में हो रही है, जैसा कि राजभर की तरफ से दावा किया गया है। और भी कई मंत्री और विधायक उनके टच में हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उधर से शरद पवार का बयान आया है कि 13 विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये है बीजेपी की स्थिति। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि बीजेपी की क्या रणनीति है, केशव प्रसाद मौर्य के जाने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या वर्चुअल मीटिंग से बीजेपी जैसी पार्टियों को फायदा हुआ है, छोटे दलों को नुकसान हुआ है, बीजेपी क्या सोच रही है। ये अभी सब सारे सवालों का जवाब जो है मिलने वाला है। इसलिए कि जैसे ही फर्स्ट राउंड यानी कि 10 फरवरी से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहा है, उसके लिए नामों की लिस्ट आएगी तो और भी जो है विरोध शुरू होंगे और ये भी पता चल जाएगा कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। हालांकि बीजेपी नहीं चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि 4 बार तो बसपा से विधायक हैं, फिलहाल वो पडरौना से विधायक हैं। उनके बेटे ऊंचा हार से पिछला चुनाव हार गए थे, पिता के साथ वो भी 2017 का चुनाव लड़े थे। बेटी संगमित्रा जो है वो बदायूं से विधायक है, बदायूं से धर्मेंद्र यादव जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं वो सांसद हुआ करते थे और अब संगमित्रा सांसद है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति में ये सब मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो तत्कालिक स्वार्थ मायने रखता है। खैर, तो अभी उनकी बेटी संगमित्रा जो सांसद हैं बदायूं की, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पिता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट जरूर किया है लेकिन पिता की कोई मुलाकात बात नहीं हुई है। उन्होंने 2 दिन का मौका लिया है, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। यहीं पर बीजेपी अपने को केंद्रित कर रही है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया है और साधने की कोशिश की जा रही है। यूपी के हलचल पर हमारी नज़र है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।